हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। गॉडविल इंटर कॉलेज कीर्तन बागपत के यूट्यूब चैनल गॉडविल लर्नर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सुरेंद्र सिंह। आज का हमारा टॉपिक है इकाई 11 अल्कोहल फिनोल इथर में अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, चलो केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल की। इसमें कुछ रिएक्शन हम पहले करवा चुके हैं, कुछ रिएक्शन को हम आज देखें। ठीक है, सबसे पहले कार्बोनिल यौगिकों से। कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं? वो यौगिक जिनमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्डेड होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला है एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन द्वारा। एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करेंगे हम, उससे हमारा, अगर एल्डिहाइड लेते हैं तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होगा, कीटोन लेते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल प्राप्त होगा। एल्डिहाइड से भी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों अल्कोहल प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड में कीटोन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन की योजन, उत्प्रेरक की हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का योग करेंगे द्वारा संगत अल्कोहलों में अपचयित हो जाते हैं। सामान्यतः सूक्ष्म विभाजित धातु यानी कि बहुत बारीक पाउडर लेंगे धातु का, जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम या निकेल उत्प्रेरक का कार्य करती है। ये एल्डिहाइड और कीटोनों की सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 अथवा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया द्वारा बनाई जाती है। LiLH4 थोड़ा महंगा होता है तो उसकी जगह NaBH4 का उपयोग ज्यादा सही है। एल्डिहाइड प्राथमिक अल्कोहल देते हैं जबकि कीटोन द्वितीयक अल्कोहल देते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले रिएक्शन हमारी RCHO, तो सिंपली होता क्या है CHO, तो कार्बन के ऑप्शन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो एक हाइड्रोजन ऑप्शन के पास चल जाएगा, एक हाइड्रोजन कार्बन के पास, तो हो जाएगा RCH2OH। तो किसी मेटल का हमें यूज करना है, CHO ग्रुप होता है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, इसके बाद RCOR यानी कि जिसमें CO ग्रुप होता है दोनों साइड में एल्केल समूह होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कीटोन ग्रुप। ठीक है ना, कीटोन को वही कंडीशन होनी है NaBH4 के साथ करो, O आ जाएगा किसके साथ में, एक हाइड्रोजन आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ में, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ में, तो बन जाएगा सेकेंडरी। ठीक है, इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल है एस्ट्रो के अपचयन से। कार्बोक्सिलिक अम्ल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जैसे प्रबल अपचायक द्वारा अपचयित हो जाते हैं और प्राथमिक अल्कोहलों की उत्तम लब्धि देते हैं, मतलब प्राथमिक अल्कोहलों को बनाते हैं। ठीक है, जैसे RCOOH है हमारा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे H2 के साथ में तो RCH2OH हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें अपचयन करना हमारा, अपचयन में क्या होता है, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का योग ऑक्सीजन का निष्कासन। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, एक ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ है। ठीक है, और एक ऑक्सीजन का निष्कासन होकर के वहां पे क्या आया है, दो हाइड्रोजन आए हैं। ठीक है ना, RCH2, तो CH पहले की इक्वेशन में देखो RCO है तो RCO की जगह RCH2 आया है, यानी कि H2 हमारा बाहर हो गया और सेकंड हमारा जो अल्कोहल बना है RCH2OH हमारा हो गया। नेक्स्ट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक महंगा अभिकर्मक है, इसका प्रयोग केवल विशेष रसायनों को बनाने के लिए किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर कार्बोक्सिलिक अम्लों को एस्ट्रो में अपचयन करने के लिए उन्हें एस्टर में परिवर्तित कर लिया जाता है। तत्पश्चात उत्प्रेरक की उपस्थिति में एस्टर को हाइड्रोजन द्वारा अपचयित कर लिया जाता है, यह हमारा कहलाता है उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण। जैसे RCOOH है, RCOOH का हम किसी एसिड की उपस्थिति में एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो RCOOR हमारा बन जाएगा। RCOOR मतलब एस्टर, और फिर हाइड्रोजन के द्वारा हमें हाइड्रोजनीकरण करेंगे उत्प्रेरक द्वारा, निकल पैलेडियम किसी धातु द्वारा, तो RCH2OH प्लस R-OH हमारा बन जाएगा। इस अभिक्रिया में ध्यान देने वाली बात यह, देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल से हमने एस्टर बनाया और एस्टर से हमने अल्कोहल बनाया। ठीक है, अब ये जो हमारी इक्वेशन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से एस्टर बनाने की विधि भी हो सकती है, एस्टर से आप अल्कोहल बनाने की विधि भी बना मान सकते हैं इसको। इसमें कंडीशन ये है कि अगर आप R- की जगह है R की अपेक्षा एक कार्बन ज्यादा लोगे तो हमें समान अल्कोहल प्राप्त होंगे। अगर अल्कोहल बराबर या कम लोगे, R एल्केल समूह की मात्रा बराबर या कम होगी, तो वहां पे अल्कोहल मिश्रित अल्कोहल हमारा बन जाएगा, फिर हमें उसको सेपरेट करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो इसमें ये करना है हमें कि R अगर CH3 लेते हैं तो ये हमें R-C2H5 लेंगे तो हमारा उत्पाद जो होगा वो एक समान रहेगा। ठीक है, मिश्रित उत्पाद नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक RMGX एक बहुत ही उपयोगी हमारा अभिकर्मक है। इससे कैसे बनाएंगे हम, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया कराने पर
एल्कोहल प्राप्त होती है, इकाई 10 में पढ़ सकते हो कक्षा 12 में। अब इसमें क्या है कि इससे आप प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी यानी कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के अल्कोहल आप बना सकते हो। अगर HCHO लेते हो तो प्राथमिक अल्कोहल बन जाएगा हमारा, अगर RCHO लेते हो तो द्वितीयक अल्कोहल बन जाएगा, और अगर कीटोन लेते हो RCOR तो तृतीयक अल्कोहल बन जाएगा। तो तीनों को हम पढ़ेंगे इसमें। सिंपली देखो होता क्या है इसमें, RMgX तो इसमें Mg जो होती है मेटल होती है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, एल्किल समूह पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। तो एल्किल समूह का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता है वो अटैक करता है कार्बन पर, जो जिससे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जुड़ी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ध्रुवीय बंध होता है। तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहता है कार्बन पर, ऑक्सीजन पर होता है पार्शियली नेगेटिव। तो ये अटैक होगा तो आर जो है यानी कि एल्किल समूह उसके साथ जुड़ जाएगा, और जो MgX है वो हमारा किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये हमारा एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है, ठीक है। इस मध्यवर्ती उत्पाद की अभिक्रिया हम जल के साथ कराते हैं, ठीक है। तो हमें आर जो MgOHX अलग हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में जल से एक हाइड्रोजन आ जाएगा तो OH हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो हमने जल लिया है, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O या HOH, तो जल में से एक H आ गया ऑक्सीजन के पास में तो ये हो गया OH, और OH बच गया, OH लगा Mg के साथ में, तो MgOH और X ये हमारा उत्पाद हो गया योगात्मक उत्पाद इस तरीके से, ठीक। इसके बाद विभिन्न एल्डिहाइड और कीटोनों की समग्र अभिक्रिया निम्नलिखित है, ठीक है। अब देखो HCHO के साथ करें हमने RMgX, RCH2OMgX बन गया हमारा, HCO के साथ लिया तो RCH2OH यानी कि प्राइमरी अल्कोहल, RCHO प्लस R-MgX लिया तो देखो सेकेंडरी अल्कोहल हमारा बन गया, RCHR-OMgX फिर जल के साथ रिएक्ट कराओ RCHR-OH, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। देखो एक कार्बन से दो एल्किल समूह जुड़े हैं। इसके बाद RCOR प्लस R-MgX यानी कि कीटोन से लेंगे तो हमें तृतीयक अल्कोहल प्राप्त हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो R-R-R-, ठीक है, आप ऐसे देख सकते हो, और MgX OH अलग अलग हो गया हमारा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मेथनॉल के साथ प्राथमिक अल्कोहल, किसी एल्डिहाइड के साथ द्वितीयक अल्कोहल, तथा कीटोन के साथ तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होती है। ध्यान रखना है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्राथमिक, और हमारी किसी एल्डिहाइड के साथ द्वितीयक, और कीटोन के साथ तृतीयक अल्कोहल में प्राप्त होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोई भी आप अल्कोहल इस समीकरण से बना सकते हो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आप कोई भी अल्कोहल बना सकते हो, ठीक है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। कल हम फिनोल के बनाने की विधि और रासायनिक गुण और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।